झारखंड में जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उसमें ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। दरअसल झारखंड में आईएएस पूजा सिंगल के बाद एक और आईएएस अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी के मुताबिक पलामू डीसी शशि रंजन ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खान आवंटित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्ट अधिकारियों को आरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही पलामू डीसी शशि रंजन और पलामू में प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार पर भी सवाल उठाए हैं। अशोक कुमार को आईएएस पूजा सिंगल के करीबी बताकर उन्हें भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि पूजा सिंगल प्रकरण के चलते देश भर में झारखंड की बदनामी हो रही है। राज्य में पिछले 2.5 साल से भ्रष्टाचार पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। सीएम अपने नाम से माइनिंग ले रहे हैं। भाई, पत्नी, सलाहकार, विधायक, प्रतिनिधि कोई भी पीछे नहीं है। अब जिलों में सरकारी पदाधिकारियां भी भ्रष्टाचार में पिछले नहीं दिखे रहे। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ इस आरोप पर क्या कुछ कहा जाता है।